अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल आपके? मैं आ गया फिर से। हुण तुसी कह दो कि जिथे दी खोती उत्थे अण खलोती। यार 3 दिन से मेरा टाइम नहीं लगा, उसके लिए सॉरी, नई वीडियो आ सके। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो आज की वीडियो जिस चीज़ पर है वो है हमारी 2021 के पाकिस्तान की रस्ट एप्लीकेशन, जिसने टिकटॉक स्नैक वीडियो को भी पीछे छोड़ दिया चवले और यकियाँ मारने में। मतलब कि वहाँ पर आपको फेम मिल चाहिए ना, एक लड़की हो आप, थोड़ा सा जिस्म दिखाओ, चलो भी फेम, आप फेमस ही फेमस है, कोई 500-600 के तो आप फॉलोअर जैसे ही कर लोगे ना कलेक्ट। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, क्या ह्यूज शाउट आउट टू यू कोट गेमिंग। यार मुझे इसका नाम प्रोनाउंस नहीं करना आया, लेकिन भाई ने स्टार्ट से वीडियोस देखी हैं, कमेंट लाइक्स, तो थैंक यू वेरी मच। और ये क्या यार, ये आप क्या ये कियाँ लगा रहे हो? कोई सब्सक्राइब ही नहीं करके जाता, थोड़ी शर्म करो यार। कोई सपोर्ट दिखाओ, अगर एक एक करके तो फिर बनेंगे ऊपर, हम 1 मिलियन तक जाएंगे। सो सपोर्ट मी, ओके। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये कियाँ लगाई हैं आप लोग। और हाँ, सबसे पहली और आखिरी बात है भाई, ये वीडियो किसी फैमिली से दूर बैठ कर देखना, क्योंकि मेरा मकसद नहीं था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लाइक पर चलता क्या है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कानों के अंदर अपने लुपियाँ तोड़ लो। नहीं, आप इन लोगों से बंदा पूछे, अगर आपसे नहीं रहा जाता तो आप घर वालों से कहो कि भाई हम मत तंग आ चुके हैं, हमारी शादी करो, कम अज़ कम इस तरह की चवले मारने से तो बाज आ जाओ। खैर ये सोच आप लोगों की होगी, लेकिन इसके पीछे मकसद ये नहीं है। मकसद इसके पीछे सिर्फ सस्ता फेम है, क्योंकि स्नैक वीडियो टिकटॉक और लाइक वगैरह पर वीडियोस वायरल इस जैसी होती हैं, जहाँ पर सिर्फ आपकी जिस्म की नुमाइश की गई हो या कोई ऐसी चवल मारी गई हो जिसमें 18 लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। और जब 18 आते हैं फिर लाइक आते हैं, और लाइक आने आते हैं तो फिर मतलब फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली आते हैं। तो भाई मकसद सिर्फ इसका सस्ता फेम लेना था और कुछ नहीं था। और बच्चा की गल, बच्चे को अपनी माँ का दूध नहीं पीना होता, या फिर बच्चे की माँ पास नहीं थी, या फिर उसके लड़की के होंठों में कोई ऐसी सरदाई की टैंकी लगी हुई थी, जो बच्चे को उस किसी और का दूध पीना है, बस उस सरदाई की टैंकी भी पीनी थी। और मतलब क्या क्या कहूँ यार इनके बारे में। सस्ता फेम लेने के लिए किसके साथ तक लोग गुजर जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। किसी सत्ता चूल्हे की सवान है ना, तो मुँह साफ पीता हो तो फिर इनको पता लगे कि हाँ इज्जत नाम की कोई चीज़ होती है, जो कि टिकटॉक और स्नैक और लाइकी पर ऐसे मतलब कि उसका ख़त्म ही कर देते हैं। इज्जत ना पता ही नहीं होता कि इज्जत भी कोई चीज़ होती है। हमारे घर हम किसी की बेटियां हैं, हम किसी की बहनें हैं, लेकिन नहीं। और फिर इनसे मतलब कोई लड़का छेड़ दे ना, तो कहती हैं कि भाई आप अपने घर दे आन दें, आपकी घर भी बहन होगी। और यहाँ पर शरेआम आकर आप इस तरह की चवले मारते, तब आपको ख्याल नहीं आता कि हम किसी की बेटियाँ या किसी की बहन हैं। अब ये देख लो, ये किसी मूवी का सीन था, उसने क्या किया, उठाया उसको और चलो भी लाइकी पर अपलोड किया, वायरल हो गया। क्या है नहीं, मतलब इस ससुराल लोग को बंदा पूछे कि आप लोगों ने कुछ करना ही है, तो वैसे कुछ करना क्या, वो तो उन्होंने कैमरे के पीछे कर लिया होगा, लेकिन लोगों को उठर के वो तड़पाना होता है। ये आप लोग तड़पाते हो और आप लोग ही लाइक करते हो इनको, तो जो मेहनत हम मेहनत करते हैं हमको कोई सब्सक्राइब भी नहीं करके जाता। और ये देख लो, इधर किसी मूवी का सिर्फ सीन उठाया और चलो अभी वो वायरल हो गया। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हो कि काश के हम उस साई की जगह पर हम होते, और हम फिर क्या क्या होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने अपने आप को खराब करना। तो ये बताएं वो क्या है जो बीवी अपने शोहर को नहीं दे सकती? भैंस की दुम नहीं दे सकती, क्योंकि उससे उसका शोहर गंदा हो जाएगा और फिर मतलब दोनों में नफरत पैदा हो जाएगी। आप बड़ी सड़क में उससे सिर्फ यही सवाल करने के लिए खड़ा किए कि वो क्या चीज़ है जो बीवी अपने शोहर को, उसकी शादी तो हो लेने दो, फिर बाद में पूछ लेना। आप लोगों को ज्यादा एक्साइटमेंट चढ़ी। हाय अल्लाह, ये कैसा सवाल है? नहीं मुझे बताए ना आप, मतलब क्या नहीं दे सकती? मुझे इतना आइडिया नहीं है, फिर भी क्या लगता है? उसका तो पता नहीं वो क्या शोहर को नहीं दे सकती या क्या, ये सब वो बाद की बातें हैं। सिर्फ इस वक्त आपको आपकी दुकानदारी में कोई चंगा लम्बा सारा खंबा गड़वाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। नहीं मतलब आप उस बेचारी ने सर पर चुन्नी दूसरा
दुपट्टा लिया है, आप अपने बाल देखो खुले छोड़े हैं और किस तरह भरे हैं, मतलब भरे तो नहीं वैसे खुले बाजार में, उसे किस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कोई दीनी बातें पूछ रही है ना जो आपको बड़ी खुशी से बताए। बातें तेरी यादें तेरी, यादें तेरी बातें तेरी कटती नहीं। ससुरा साहिब लाइकी पे वेरीफाइड क्रिएटर हैं, पता नहीं किस तब्बे के मुंह जैसे वाले ने इसको वेरीफाइड क्रिएटर का टैग दे दिया है। नहीं मतलब के क्या है, सिर्फ उस लड़की को देखो किसी 12 साल का पुराना तवा जिन्हू अग च गर्म किया हो इदा निकल आता मुड़ के, वो देखो कितने शौक से कैमरे में मुंह दिखा रही है कि हाँ मैं लड़की पर वायरल हो जाऊंगी। पता नहीं दोनों का ऑप्शन में क्या रिश्ता है, मियाँ बीवी है या वैसे ही बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो खैर बात तो कुछ ये है कि वो कह रहा होगा जानू जल्दी से वन भी लिंक कर, जल्दी से वन भी लिंक कर, फिर तू मेरे पिए आकर मेरे छाती पे आके वज ताकि मुझे सुकून मिले और तुझे वन भी लिंक का स्वाद है। यार आज इस बंदे ने लड़की को अपनी बाइक पर बिठाया, कल को ये कहीं और बिठाएगा है और परसों ये छोड़ जाएगा, और फिर लड़कियाँ कहती हैं लड़के धोखेबाज होते हैं, लड़के ऐसा करते हैं, लड़के वैसा करते हैं, लड़के ऐसा वैसा नहीं करते हैं। आप लोगों की अपनी मतलब मतवजी होती है कि आप पहले ही उनके जहाज़ों पर बैठने के लिए हो जाते हैं, और फिर लड़के तो आपको पता है कि बस कुछ ऐसे ही होते हैं कि हवस के मारे, खासकर लड़के टूर मिलते ही ऐसे हैं, उनको हवस के मारे होते हैं, बस मौका चाहिए काम डन डन कराओ। और फिर पता है एक बात मुझे याद आ गई इस पर, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन मेरे दिल में थी, जब हम छोटे होते थे ना तब एक दूसरे को कहते होते थे कि क्या 90, और जब अगला बंदा कह देता था ना कि हाँ 90, तो फिर एक ही जवाब आता था सामने, चल कमाते गप्पे नाड़ा खोलते कम बजे होनी तेरी अम्मी अब्बा ना 90। यार मेरा दिल नहीं था कहने का, लेकिन हाँ इस तरह की चवले देख कर ना मैंने कहा कि नहीं आपको सुनानी चाहिए ये बात, फिर और इर्द गिर्द इनके कमाल वगैरह भी है तो ये बात तो फिर बनी होगी ना, आप समझ रहे हो ना, समझा करो यार। ये लड़की यहाँ पर सब कुछ चलता है, यहाँ पर फेम के लिए कुछ भी अपना जिस्म तक दिखा देती है, तो ये क्या चीज़ है इनके लिए। अगर लिपस्टिक लगाना लड़कियों की ब्यूटी है तो उसे टेस्ट करना हम लड़कों की ड्यूटी है। अबे ओ ससुरा सस्ता फेम लेने के लिए चुकने पड़ते हैं और तू जाकर वही चुक, तू इस लड़कियों की लिपस्टिक टेस्ट ना कर, तू जाकर किसी का चुक, क्योंकि तू लड़का है सस्ता फेम लेने के लिए तू चुकना पड़ेगा और जाकर उठा। और मुझे वो राइट और लेफ्ट वाली चलो ठीक है, राइट वाली को देखो जैसे किसी ने 40 दिन तक यू शेव ना की हो ना, फिर इस जैसा मुंह निकल आता है, बंदा पूछे इनके जुत्ती मारे इन्होंने सिरों के उत्ते बिना काला तेल तो। हर गांव के अंदर ना एक मलंग होता है, मलंग उस मलंग को भी ये दिखाई जाए ना वो भी यही कहेगा, बल्कि उसने क्या ना उसने के जहाज ने कहना है कि भाई माफ कर मेरे, मैं मेरी ये सवारी मेरे जहाज की ना करे, माफ करवा दे किसी और किसी सराख के अंदर लेके कर ले सवारी, लेकिन ना इसे माफ कर, इसे माफी दे कर मेरी माफी माफ। बिल्कुल इसने ऐसी तरह करना है जिस तरह का ये है, मतलब कि यार सारा इसका फोरहेड बालों ने ढका हुआ और एटीट्यूड एक्शन देख लो, लेकिन उस वो भी क्या करे, सस्ते फेम ने इनकी दुकानदारी के अंदर इस तरह के खंभे गाड़ दिए हैं ना कि बस ये कहते हैं हमें फेम चाहिए फेम और कुछ नहीं। लिपस्टिक की गारंटी नहीं है लेकिन काजल का भी खराब नहीं होने दूंगा। तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर करना। अरे ओ भैया मैं एकदम फुली सख्त लौंडा है, नजर मेरी नहीं हट रही थी आप लोगों की क्या हट रही है, तो अब इस बात में इसमें क्या है, लेकिन सिर्फ एक हल्की सी चवल मारी है और उसने ऐसे अपने बुल्लों के ऊपर दंदों को रगड़ा है। वैसे मुझे पंजाब उर्दू आती लेकिन मैंने हंसाने के लिए कहा, उसने अपने ऐसे ओंठों के ऊपर दांतों को रगड़ा है कि फिर की खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं, नजर ही नहीं हटती बंदे की करना कराना खे है। और फिर मिलियन मिलियन दो मिलियन तीन मिलियन लाइक्स हो जाने हैं, वायरल तो इंसान ने खुद ही होना है जब इतनी इतनी अच्छी और खूबसूरत सी अदाएं दिखानी है तो। खुशकिस्मत है वो लड़की बहुत जिसको पाने के लिए एक लड़का रो रो कर दुआएं मांगता है। दिल विच मेरे यार भाई बाकी ठीक था, चलो आपने लाभ की शायरी थी ठीक है अच्छी थी, आई कैन अंडरस्टैंड एंड लाइक है ना ठीक है, मैं सब इंग्लिश बोलने के चक्कर में भूल गया सब कुछ।
चलो ठीक है आपकी शरीर ठीक थी, लेकिन यार ये वाली चवल मारनी लाजमी थी, हाथों में हाथ डालकर इतनी कस के फड़िया भावे कुड़ी मार दिंदा जवान टंकी रो रो मार दे मारती। तो यार ये आप ना करते अच्छी थी, और कोई मतलब कोई और क्लिप लगा देते, लेकिन नहीं आप तो शादी हो गई, क्यों ठरकियों को मारना है आपने, क्यों उनकी जान निकालनी नहीं हुई है, उनकी शादी होनी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने तो उनको मारना ही मारना है, तो मरवाओ ठरकियो। कहता हूँ ना सब्सक्राइब चैनल कर लो, बच जाओगे, यहाँ पर ना दो जाकर वहाँ पर अपना जहाज लैंड ना करवाओ। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go. बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया, तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे। तेरा बड़ा नया छोड़े यार सच्ची में मेरी सेहत ना मतलब जिस्म के लिहाज से मैं इनसे बहुत हल्का हूँ, लेकिन इनसे ज़्यादा पुशअप्स लगा लूँगा एक हाथ पर। इन लोगों को एक बेंच एक हिसाब का मतलब एक पत्थर के ऊपर आधार का पुशअप नहीं लगाए जा रहे हैं। हम बदमाश बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुसीम करोगे मेरा एल। आप लोगों ने पुशअप इत्तेफाक से तो नहीं टकराए हम दोनों, कुछ तो साजिश खुदा की भी हो। तो खैर यार बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपका भी अब रेगुलर रहेगा क्योंकि अपना मसला हल हो गया है। तो आज की वीडियो को रैपअप करते हैं यहीं पर, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड मशुकर सहेलियों के साथ जो कि आपके हमसाए हैं, घर वाले हैं, और अपने जो आपके करीबी करीबी शरीबी शरीबी जो भी हैं उन सब के साथ शेयर कर दें। तो भाई कमेंट्स बॉक्स में अपना लाजमी अपना फेवरेट पार्ट लाइक कर जाना, मुझे नींद आ रही है, बस नींद आ गई मुझे, अब सुबह अपलोड करूँगा। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।